दोस्तों राम राम। मैं उर्मिला शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके चलूंगी रायपुर छत्तीसगढ़ की एक बहुत अच्छी नर्सरी, सरकारी नर्सरी, गवर्नमेंट नर्सरी में, और आपको मैं वहाँ दिखाऊंगी कि कितने अच्छे पौधे मिलते हैं और कितने सस्ते मिलते हैं। वहाँ वेजिटेबल के भी पौधे मिल जाते हैं और आपको जो भी जरूरत हो उस हिसाब से वहाँ पौधे मिल जाते हैं। तो अभी मैं अपने घर से निकली हूँ, अंबुजा मॉल पहुँचने वाली हूँ, और अंबुजा मॉल से वो नर्सरी करीब 10 किलोमीटर होगी, जोरा मेरे ख्याल से, अग्रसेन भवन के बाजू से जाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान, ये देखिए, ये हम अब पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, ये बस थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, पर है यही। ये देखिए, आपको कई रास्ते हैं इसमें आने के लिए। आप चाहे तो बाहर बाहर आ सकते हैं कचना तरफ से, या चाहे तो तेलीबांधा तरफ से आ सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं डिपेंड ये करता है। तो ये देखिए हम पहुंच गए, इसके अंदर पहुंच गए, लेकिन हमको अभी आगे और जाना है जहां पौधे मिलते हैं। ये सब रिसर्च के बोए हुए हैं गेहूं, और ये सारी चीजें जो बोवाया हुआ है ये रिसर्च के लिए है। ये ग्रीन हाउस बनाया है इन लोगों ने, और तरह तरह की यहाँ वेजिटेबल, ये पपीता दिख रहा है अभी, इतनी सुंदर गोभी, हाँ, ब्रोकली, ये सारा कुछ। कृषक सभागार, प्रशासनिक भवन, ये देखिए, मक्का था शायद, इस साइड भी है। दोनों तरफ यहाँ बहुत जमीनें हैं इनकी, गवर्नमेंट की, जिसमें ये अपना रिसर्च का सब लगाते हैं। ये केला है, ये टोटल गवर्नमेंट नर्सरी है। ये हम पहुंच गए जहां हमें पौधे मिलेंगे, थोड़ा सा और आगे। बहुत बड़ा एरिया है इनका, ये देखिए, सब गवर्नमेंट नर्सरी का ही है। अमरूद है वो, जोरा है ना, बस 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 यही है। कितना सुंदर फूल है ये, क्या चीज का ना रोहे। ये हम पहुंच गए, और पहुंचते ही हमें ये कितना सुंदर फूल दिखा है, हम आपको दिखा रहे हैं। पता नहीं क्या चीज है ये, ऐसे मतलब इतना सुंदर खिला है, जो ताजे वाले हैं। दिखाती हूँ आपको, मुझे तो नहीं पता ये क्या है, आप लोग बताना, लेकिन है बड़ा सुंदर। देखिए, पूछूंगी क्या है ये। तो आइए चलते हैं, अभी जो भी हमको दिखेगा आपको दिखाने लायक तो हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं आई हूँ गवर्नमेंट नर्सरी में, हमारी सरकारी नर्सरी में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, जो कि ये जोरा में है। बहुत खूबसूरत नर्सरी, और ढेर सारे यहाँ इस तरह से खूबसूरत खूबसूरत फूल, ढेर सारी गर्मी के अभी वेजिटेबल मिल रही है। तो आप लोग भी ज़रूर आएँ और ज़रूर यहाँ ढेर सारे फूल पौधे और सब्जियाँ खरीदें। तो दोस्तों ज़्यादातर पौधे मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन कीड़े लगे हैं इनमें, इनमें तो माहू लगा हुआ है। कैसे इन लोग देखभाल कर रहे हैं, बाप रे। तो ये है, ये बैगन है, और ये है बेल वर्गीय, लौकी, करेला, ये है मिर्ची। देखभाल सही नहीं दिख रही है हमको, तो मुझे तो लगता है, देख के थोड़ी सी खुशी हुई। ये कद्दू है, ऐसे लग रहा है कि पौधे हमको मिल जाएंगे, हमें ज़रूरत है जो जो चाहिए होगा। बट ये पौधे थोड़े से मुझे स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं। ये 100 प्लांट हैं, जिनको पसंद है। ये फाइकस है मुझे ऐसे लगता है, क्या ये देखें। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं।
तो दोस्तों नर्सरी में ढेर सारे तरह तरह के पौधे हैं, आपको क्या पसंद है वेजिटेबल या फूल, बहुत वाजिब रेट में आप ज़रूर आएँ और ज़रूर यहाँ से लें। ये देखिए बोगनवेलिया कितने सुंदर हैं, बस ये छाया में यहाँ है इसलिए इसके कारण इतने अच्छे खिले नहीं हैं, लेकिन हैं ये बहुत अच्छे। और वहाँ वेजिटेबल मैं आपको दिखा नहीं पाई, चलिए लौटते समय दिखाऊंगी। आइए किधर चलेंगे दोस्तों, कितना सुंदर फूल आप देखिए ये, और बहुत सस्ता, मतलब 10 रुपये में 20 पौधा देखिए आप, ऐसे लग रहा है कश्मीर में आ गए। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ इसलिए इन फूलों को देखो कितना सुंदर। दोस्तों सरकारी नर्सरी में इतना सस्ता मिलता है, यही आप जाएंगे दूसरी नर्सरी में बहुत महंगा देते हैं। ये आम का, अच्छा प्याज का भी थरहा है क्या? अच्छा दोस्तों ये टमाटर का पौधा है, और यहाँ से लो ना, यहाँ से ये वाला लो, ये वाला यहाँ से, वो सब लग जाएगा, मैं लगा लूंगी। हाँ। नहीं नहीं बड़े बड़ा बड़ा लेना, गिनना है तो। ये दोस्तों 1 रुपये में 2 पौधे मिलते हैं, ये टमाटर है, बैगन हमने ले लिया, बैगन भी 1 रुपये में 2, और ये टमाटर ये भी आप ले सकते हैं, इस बैगन को भी ले सकते हैं, और ये इधर ये वाला है ये बैगन, मतलब सब्जी के बहुत सारे। मिर्ची कहाँ पर है? ये लोटस, ये देखिए दोस्तों लोटस, ये इसकी ये है सलाद ना, गोभी जैसा होता है या सिर्फ पत्ता पत्ता रहता है? सीधा पत्ता पत्ता है। हाँ तो ये देखिए कीटनाशक वगैरह डाले होंगे, इसे मत खाइए। नहीं नहीं डालो, कुछ नहीं डालता, कुछ नहीं। तो दोस्तों यहाँ आए ज़रूर, आपको सब्जी चाहिए सब्जी लीजिए, आपको फूल चाहिए सीजनल फूल, बहुत सस्ते रेट में आपको सही रेट में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर आए। और इतना बड़ा है कि मैं आपको सारा कुछ नहीं दिखा सकती। काहे का इसका ये वाला रंग बिरंगा दिखेगा, थोड़ा रंग बिरंगा दोस्तों ये देखिए, ये उकोलिया से ये फाइकस है जिसका बोंजाया बनता है, ये बहुत ही सुंदर है, और इसको पता नहीं कितना बोली है, 60 रुपया बोली, तो ये कभी नहीं मिलता 60 रुपये में। इस तरह से बहुत सारे पौधे हैं जो आप ले सकते हैं। ये काली मिर्च है देखिए, अगर आपने नहीं देखा होगा काली मिर्च का पौधा तो देखिए दोस्तों। इधर भी ढेर सारे वेजिटेबल के पौधे हैं, तो इधर क्या है कि थोड़ा गमले में लगा हुआ है इसलिए पौधे थोड़े महंगे हैं। ये पतली वाली मिर्ची है, हाँ, ये 10 रुपया है, वो सफेद घाटा है इधर वाला है, हाँ, ऊपर के काला है ऊपर के हरा वाला है। अच्छा तो कितने के हैं ये? 10 रुपये वो पैकेट 10 का है, हाँ, और ये भी 10 का है, हाँ, सब 10 वाला, ये फूल पौधा सब 10 वाला। अच्छा अच्छा तो देखिये 10 वाले पौधे हैं मिर्ची के दोस्तों, और वो बैगन भी 10 का है, टमाटर बैगन और आगे भी वो 10 के हैं, हाँ। अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। तो दोस्तों ये हर तरह के पौधे हैं यहाँ, मैंने लिया है लौकी कद्दू और टमाटर बैगन, ढेर सारे पौधे लिए गर्मी के लिए उगाने के लिए। जी जी दोस्तों ये इंडोर प्लांट है और बहुत सही रेट में आपको यहाँ मिल जाएंगे, आप लोग जरूर आए। बस 100 ml पानी डालेंगे, हाँ हाँ हाँ, वाह बहुत सुंदर है। ये 250 के हैं ये, मुझे भले बाद में ले जाए, हाँ हाँ सियोर ले जाएंगे, हाँ हाँ ये 350। तो दोस्तों यहाँ ज़रूर आएँ, विजिट करें और अपनी पसंद के पौधे लें, आपको ढेर सारे पौधे बहुत सही रेट में मिल जाएंगे, इंडोर प्लांट आउटडोर प्लांट हर तरह के आपको प्लांट यहाँ मिलेंगे। दोस्तों हमें जो जो लेना था हम ले लिए, अब हम चलते हैं, यहाँ ढेर सारे आपको तरह तरह की वैरायटी के प्लांट मिलेंगे बहुत वाजिब रेट में। आप ये जे प्लांट है क्या? नहीं जे नहीं है, लेकिन पत्तियां इसकी जे जैसी ही हैं। जी 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 जी
देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं। सीजनल पौधे हैं ये, लेकिन देखने में कितने सुंदर लगते हैं। देखिए मैं पूरा नहीं दिखा पाई, बस आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ जोरा में आइए और आपको ढेर सारे पौधे यहाँ वेजिटेबल के भी मिल जाएंगे और ढेर सारे आपको फूलों के भी बहुत सही रेट में, जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि जैविक खेती, रसायन मुक्त खेती करिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बोर्ड देखकर, जो कि हमारे ये जोरा में ही है, रायपुर छत्तीसगढ़ में, और उन लोगों ने ये इसको जैविक तरीके से उगाया है, पूरे ऑर्गेनिक तरीके से, रसायन मुक्त। तो देखिए कितनी खूबसूरत लहलहाती हुई धनिया, इसकी खुशबू और इसका टेस्ट और इसका स्वाद और इसका जो सेहत के लिए असर है वो अलग ही होगा। दोस्तों हम जो लीफी वेजिटेबल खाते हैं उसके अंदर जो रासायनिक खाद पड़ती है या केमिकल वाली दवाइयां पड़ती हैं, वो हमारे सीधे हमारे पेट के अंदर जाता है, जो बहुत ही मतलब खतरनाक होता है। तो दोस्तों कोशिश करें आप लोग भी, आपके पास खेत नहीं है तो खूबसूरत छत तो है, आप अपनी छत पे ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। दिखाओ क्या खुशबू है, देख रहे हो, काश इसको आप स्मेल कर सकते, एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया। तो आप लोग भी कोशिश करें, बार बार यही मैं कहती हूँ कि जहर मुक्त जीवन जिए। अगर जहर मुक्त जीवन जीते हैं, डॉक्टर से दूर रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर कोई शरीर में प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी अगर आप इस तरह की सब्जियां खाते हैं, इस तरह की चीजें आप उगाते हैं। दोस्तों कितने बड़े स्तर पर धनिया उगाया गया है ऑर्गेनिक तरीके से, देखिए। और हम आए हैं यहाँ एक, ये भी उत्पाद और विक्रय केंद्र इसमें लिखा हुआ है, जहाँ बीन्स मिल रहे हैं और बहुत ही वाजिब रेट में। और ये डिज़ाइन जो है पारंपरिक डिज़ाइन है, बस्तर आर्ट कह सकते हैं या छत्तीसगढ़ का। ये बीन्स है दोस्तों, ये देखिए ऑर्गेनिक बीन्स है जो ये बेच रहे हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें उतनी सुंदर भले ना हो, लेकिन इनका जो इनके गुण जो होते हैं ना, ये बहुत सुंदर होते हैं। और ये शायद गोभी है, ऑर्गेनिक गोभी है ये, तो बीन्स ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से परमिशन लेकर मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ ऑर्गेनिक तरीके से ये किस तरह से उगाया जाता है। और जो लोगों को पता है, शायद सारे लोगों को पता भी नहीं है, ये मेथी है, कितनी सुंदर और कितने सिस्टम से दोस्तों, किसी पेड़ को नुकसान न करते हुए, नीम का पेड़ है और नीचे किस तरह से मेथी कितनी सुंदर उगाई गई है। और इधर ये लौकी, बैंगन, गोभी, ये बहुत सारी चीज़ें, देखिए गोल लौकी भी दिख रही है, वो गोभी है, मतलब कि बहुत बड़े तरीके से यहाँ फार्मिंग की जाती है ऑर्गेनिक तरीके से। ये देखिए मैं पूरा नहीं दिखा सकती, बहुत बड़ा है ये मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा दें। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहें। जैसा कि आज हमने आपको नर्सरी दिखाने की कोशिश करी, पूरी नर्सरी हम नहीं दिखा सकते थे, लेकिन हमने कोशिश करी कि आपको कुछ चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ। और हमारी कोशिश कहाँ तक सफल हुई आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप यहाँ से ढेर सारे फूल खरीद सकते हैं, ढेर सारे वेजिटेबल के पौधे खरीद सकते हैं, सीजनल पौधे, सीजनल फूल ढेर सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप इस नर्सरी में ज़रूर आएँ और ज़रूर ख़रीदारी करें, और हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।